अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप इस्तखारा करवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आकर इस्तखारा करवा सकते हैं। और अगर कोई ऐसी परेशानी या कोई ऐसी जैसे जादू हो गया या फिर कोई ऐसा मसला है तो वो तब भी आप इस्तखारा करवा सकते हैं। हमारे चैनल पर आकर अपना नाम और अपनी वालदा का नाम और जगह का नाम हमें सेंड कर दें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। फरमान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू करते हैं वज़ाइफ को। जो शख्स इस हालत में मरे कि वो अल्लाह के एक होने और मेरे रसूल होने की गवाही देता हो और ये गवाही सच्चे दिल से हो तो अल्लाह करीम इसकी मगफिरत जो है फरमा देंगे, अल्लाह पाक इसको माफ फरमा देंगे इंशाल्लाह। तो अब आपके जो वजीफा है वो आप लोगों की फरमाइश पे है। बहुत ज्यादा पसंद किए जाने वाले वजाइफ में आप एक बात याद रखें, जो भी वजाइफ आपके सब पेश किए जा रहे हैं यकीन माने वो बहुत नायाब है, उनका गलत इस्तेमाल ना करें तो अच्छा है। बहुत प्यारा वजीफा है, अगर आप इसकी कदर जानेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी और वजीफे की जरूरत पड़ेगी। आज मैं आपको काली मिर्चों से एक अमल बताऊंगी, बहुत आसान अमल है, बहुत प्यारा है। किसी को बेचैन करने के लिए, किसी की मतलब कि कोई आपसे नफरत करता है या आपसे मोहब्बत नहीं रखता या आपको हर वक्त तंग करता है तो उसके लिए वजीफा जरूर करें। और यकीन माने कि आपकी सोच है कि कितनी तलब और तड़प पैदा हो जाती है अगर कोई अपने प्यारे के लिए कोई करता है तो इंशाल्लाह। और मेरी भी पूरी कोशिश होगी कि मैं भी आपकी भरपूर मदद करूं। आयत करीमा आपने पढ़ना है, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। ठीक है, आपने मिर्चें कितनी लेनी है? कम अज कम 11 मिर्चें ले लें। ठीक है, अब मिर्चें कौन सी लेनी है? काली मिर्चें लेनी है, काली मिर्चों के दाने लेने हैं, उस पर आपने ये पढ़ना है। एक मिर्च पकड़े और एक मरतबा पढ़े। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पास आग जरूर हो आपके ना, एक मिर्च पकड़े और एक मिर्च पे पढ़े ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन और वो आग में डाल दें। ठीक है, इस तरह करते करते आपने कम से कम 11 जो मिर्चे हैं वो आपने इसी तरह आग में डाल देनी है पढ़ के। इंशाल्लाह ये वजीफा है एक दिन का, 1 से 3 दिन का ये वजीफा है। इंशाल्लाह आप जिसके लिए ये वजीफा कर रहे हो या आप जिसको मुसख़र करना चाहते हो इतना बेकरार होगा कि फौरन आपसे राब्ता करना शुरू करेगा और सबसे पहले वो आपसे बात करेगा, राब्ता करेगा। अगर कोई नाराज हो गया है और इसको जायज इस्तेमाल करें, गुनाह के लिए इस्तेमाल ना करें। आयत करीमे का लाजवाब ये अमल है और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा और जरूर कीजिएगा। एक बात याद रखें कि जब आप मिर्चों को जला रहे हो तो तसव्वुर जरूर बांधे। ठीक है, अपने जहन में तसव्वुर जरूर रखें कि आपने जो है ये मतलब कि जैसे आप किसी को अपनी चाहत और मोहब्बत के लिए ये अमल कर रहे हो। अब जैसे मियां बीवी का भी एक हो जाता है कि मियां बीवी में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, शोहर जो है अपनी बीवी को मारता है, बहुत तंग करता है, तो आप इसको तब भी कर सकते हैं। बीवी जो उनसी है अपने मियाँ का नाम लेके भी कर सकते हैं इस अमल को, तो अल्हम्दुलिल्लाह लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। और अगर मियाँ है तो अपनी बीवी का नाम लेके कर सकता है, तो यकीन माने अगर कोई खुदा ना खासा बीवी नाराज होकर चली जाती है या कोई मियाँ नाराज होकर चला जाता है फौरन वापस आ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से। एक दफा ये वजीफा जरूर करें, नाम जरूर लें। जब आप जलाने लगे हैं जैसे ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़े, उस शख्स का और उसकी वालदा का अगर नाम पता है तो वो ले लें, अगर उसकी वालदा का नाम नहीं पता तो ना लें। आप सिर्फ उसका नाम लेके तो जो है अल्लाह पाक गैब के दिलों के हाल जानता है, तो आप बस उसका पढ़ के तो आप दम कर दो। यकीन माने इतना प्यारा वजीफा है कि आपकी सोच है। और यकीन माने ये इस तरह काम करता है, ये जो मिर्चों की आग होती है ना, जिन मिर्चों को पढ़ के आपने नाम लेके आग में डालते हैं वो उतनी ही आग उनके दिल में लगती है और वो फौरन आपसे राब्ते करने के लिए बेकरार हो जाते हैं। जब तक वो आपसे राब्ता नहीं कर लेंगे, वो आपसे बात नहीं कर लेंगे, उनको सुकून नहीं आएगा। तो यकीन माने आप ये जरूर करें, दिलों में मोहब्बत पैदा करते रहें, एक दूसरे से नाराज ना हो, किसी से झगड़ा लड़ाई ना करें। इजाजत है, अपना ख्याल रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करते हूँ आप सब खैरियत से होंगे।